हाँ बोल। कंप्लेन रजिस्टर करनी है। कैसा कंप्लेंट? मर्डर। किसका मर्डर हुआ है? हुआ नहीं सर, होने वाला है। किसका मर्डर होने वाला है? मेरा। तुमको कौन मारने वाला है? वो ढूंढना आपका काम है ना सर। तुम सच बोल रहे हो? यही मेरी नियति। नियति, इस एक शब्द के इर्द गिर्द इंसानी जीवन का ताना बाना बना हुआ है। नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस चौंका देने वाली ट्विस्ट और टर्न से भरपूर कहानी में आप नियति का वो खेल देखेंगे जो वाकई में हम इंसानों के वश में नहीं। रीमा, चलो जाओ अपने कमरे में। जी भैया। ये आयुष की हरकतें हैं, खानदान की नाक कटवा देगी। किसका खानदान? मेरा या आपका? रीमा, बर्फ लाओगी? सॉरी अंकल, वो बर्फ रखना भूल गई थी। कोई बात नहीं बेटा, गलती किससे नहीं होती। जाओ आराम, तुझे तो बुखार है। चल दवाई देता हूँ, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। चल 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 चल। मम्मी, मोहित बहुत बुरा है। मैंने उस पर कितना भरोसा किया था। उसके कहने पर उसके साथ घर छोड़ के भाग गई, उससे शादी की। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मम्मी। काश मैंने आपकी बात मान ली होती। अब मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। नंदी, ये क्या है नंदी? हमारा थोड़ा झगड़ा क्या हो गया? तुम घर छोड़कर चली आई। चलो कोई बात नहीं, घर चलो। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, घर चलो। नहीं आऊंगी मैं। मैं कह रहा हूं। हाथ पर लगा मेरी बहन को। वो मेरी पत्नी है, समझा तू? चल चल निकल अब। अरे एक मिनट, अब मैं दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। किसी को नहीं छोड़ूंगा। जा, मत छोड़ना, जा निकल। अब मैं बताता हूं, रुक। आयुष भैया, सुनिए, पेशेंट को 3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। बीपी और शुगर मॉनिटर करते रहना है सर। ओके या पापा, आपने मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक क्यों की? पैसे खर्च करने की एक लिमिट होती है। लेकिन आपकी दी हुई लिमिट में ही तो कर रहा हूँ ना पापा। एक महीने का खर्च एक हफ्ते में कर रहे हो। लेकिन किसी इंसान के नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। आप अपनी मनमानी कब तक करते रहेंगे पापा? जब तक जिंदा हो तब तक। सर, वो प्रदीप जी अपने अकाउंटेंट। क्या हुआ उनको? सर जल्दी चलिए सर।
सुन चला बैठते हैं। चल सर, ये तो डॉक्टर सुजीत है, हमारे प्रदेश के बहुत बड़े सर्जन हैं। इनके परिवार में कोई? सर मैं राकेश, सर मैंने ही आपको फोन किया था। सर अंदर। मध्य प्रदेश के जाने माने डॉक्टर सुजीत उनकी पत्नी मालिनी और उनकी बेटी नंदिनी की बर्बरता से की गई हत्या से सभी घबरा गए थे। सवाल यह था कि एक डॉक्टर और उसके परिवार वालों की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इतने वहशियाना तरीके से उन सब की जान ले ली गई। आखिर क्या था इस भयंकर हत्याकांड का राज और किसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था और क्यों? घर में और कौन कौन है? सर मैं रहता हूँ और सुजीत अंकल का बेटा आयुष। कहाँ पे वो? सर वो कहीं बाहर गया हुआ है, मैंने फोन किया पर लग नहीं रहा है। कोई और नंबर है? उनकी गर्लफ्रेंड संचिता का। संचिता आयुष है? आयुष तो नहीं है। एक मिनट, हाँ नाम लो शैतान हाजिर। राकेश भैया का फोन है, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है, बात करो। हाँ राकेश। कहाँ है यार तू, जल्दी आ, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है, पुलिस भी आई हुई है। क्या? हे आयुष, थैंक यू सो मच यार हेल्प करने के लिए। अरे यार ये सब बातें बाद में करना, आयुष के घर पे पुलिस आई है। चल यार जल्दी। क्या पुलिस? हाँ। सुजीत की जगह चाबी मिली है। कौन कौन काम करते हैं इस घर में? साहब मैं वॉचमैन ही करता हूँ और माला यहाँ काम करती है जो दिन में ही चली जाती है। घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई, कहाँ पे थे तुम? सब मैं इनके पास था। इनके साथ कहाँ पे थे? बगल वाले बंगले में। तुम्हारे साथ था? हाँ साहब, ये मेरे साथ ही था। क्या कर रहा था वहाँ पे? ऐसे दारू पी रहा था? बाहर का मेन गेट तो खुला हुआ था क्योंकि तुम बगल वाले बंगले में दारू पी रहे थे, लेकिन अंदर का जो ये दरवाजा है घर का, ये बंद था या खुला था? बंद था। पक्का? पक्का। चाबी किसके पास रहती है? राकेश भैया के पास और मालिक डॉक्टर सुजीत के पास और आयुष भैया के पास। लेकिन सर डॉक्टर सुजीत की चाबी तो उनके जेब में से ही मिली। और किस किस के पास रहती है चाबी? मालकिन तो घर पर ही रहती है और नंदिनी दीदी की शादी हो गई इसलिए चाबी उनके पास नहीं रहती। झूठ नहीं? नहीं साहब झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, घर में घुसने का रास्ता एक ही है। तो महेंद्र एक काम करो, तुम आसपास पता करो, देखो कोई एटीएम है या कोई दुकान वुकान है, कोई सीसीटीवी हो तो उसका फुटेज निकाल, मुझे चेक करनी, वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग इज नॉट राइट। पापा? मां? नंदनी? राकेश, रीमा का है, ठीक तो नहीं वो? हाँ, मैं भोपाल का हॉस्टल से लौटा था। ऊपर तिजोरी खाली पड़ी है। आयुष, आयुष, आई एम सॉरी, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। क्या था इस तिजोरी में? सर हमारे कुछ देने गहने, यही कुछ घर खर्च के पैसे। कितने? 5-10 हजार रुपए। पापा उससे ज्यादा रखते भी नहीं थे। इन गहनों के कोई फोटोग्राफ्स हैं? नहीं सर,
ये गहने तो माने बहुत साल पहले ही पहनना छोड़ दिया था। हाँ ठीक है, लेकिन कोई पुराना फोटोग्राफ जब आपके माने गहने पहने हुए हो, मतलब जैसे शादी की फोटोग्राफ्स होती हैं। हाँ, एल्बम में शायद मिल जाए। कुछ कुछ पति फैमिली मेंबर्स की सीडीए रिपोर्ट निकालो, हो सकता है कोई सुराग मिले। और एक टीम को डॉक्टर सुजीत के अस्पताल भेजो, पता करो किसी इलाज में कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं। आजकल ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं जहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो पेशेंट्स डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराते हैं और हंगामा करते हैं। ओके, लेट्स गो ऑन विद, कम ऑन सर। हेलो, एक शॉप का एड्रेस भेज रहा हूँ, आज शाम 7 बजे से लेकर के अभी तक की उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। इंदौर के जाने माने डॉक्टर सुजीत, उनकी पत्नी मालिनी और उनकी बेटी नंदिनी की किसी ने बेरहम तरीके से हत्या कर दी थी। इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था। राकेश भैया, आपका फोन बज रहा है। राकेश जी, मैं भोपाल के गर्ल्स हॉस्टल से बोल रही हूँ। जी, हमने आज अटेंडेंस ली तो पता चला कि रीमा हॉस्टल में नहीं है। और लड़कियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो तो कल रात से ही गायब हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ है वो? आप लोग सो रहे थे क्या? उसके मोबाइल पे फोन करो। उसका मोबाइल उसके पिलो के नीचे से मिला है। मैंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अगर रीमा को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जयंत सर। जयंत सर, मैंने वॉचमैन और पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि नंदिनी ने घर से भाग के मोहित से शादी की थी। अच्छा। ये सर, दोनों के बीच इन दिनों काफ़ी झगड़े चल रहे थे। जब नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो मायके वापस चली गई थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बन रही है सर। डॉक्टर का कहना है कि जिस तरीके के घाव के निशान हैं वो किसी नौसिखिए का काम हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल किलर इस तरीके से वार नहीं करता। एक बात और सर, किसी भी डेड बॉडी पर उनके खुद के फिंगरप्रिंट्स के अलावा कोई और फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। मेरा शक सही निकला। ये महज मर्डर या डकैती का मामला नहीं है, ये एक दिखावा है, मामला कुछ और है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, एक इन्फॉर्मेशन देनी है। एक मिनट, बोलो। सर, राकेश की बहन रीमा अपने गर्ल्स हॉस्टल से गायब है। राकेश से बात की? सर, कोशिश की मैंने, पर वो खुद परेशान है, किसी से बात नहीं कर रहा। ठीक है, हम आते हैं। चलो लेट्स गो बॉयज। सर अच्छा हुआ आप आ गए। सर मेरी बहन खो गई है भोपाल गर्ल हॉस्टल से। क्या नाम है तुम्हारी बहन का? रीमा। एक काम करो, रीमा का फोटो ले लो और तमाम पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करो, और भोपाल पुलिस से भी कांटेक्ट करो और खबरियों से बात कर लो। हाँ बेटा। आप पुलिस इंस्पेक्टर हो ना? सो तो हूँ। ये चिट्ठी है। चिट्ठी किसने दी? नमस्ते साहब। और से? मेरा नाम माला है। अच्छा। मैं यहाँ काम करती हूँ। सर, जब कल सुबह मैं काम के लिए आई तो मैंने देखा कि मम्मी, शायद मैं शादी के लिए रेडी ही नहीं थी। प्यार करते वक्त ऐसा लगा जैसे मोहित इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है, उसके साथ शादी करके मैं हमेशा खुश रहूंगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। फिर क्या पिछले 1.5 साल से तुम लोग सिर्फ लड़ते रहे? नहीं मम्मी, ज्यादातर वक्त तो हम खुश ही थे, लेकिन अभी अभी बहुत झगड़े होने लगे हैं। तो फिर उन पलों के खातिर अपने रिश्ते को और एक मौका दो, देखना खुशियाँ फिर लौटेगी। साहब, माँ के कहने पर नंदिनी दीदी तो कल सुबह ही अपने पति के घर चली गई थी। जी साहब। Thank you.
मी, आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? आइए बैठी। कितना? 50। सर आप यहाँ? हमें तुमसे कुछ बात करनी है मोहित। हाँ हाँ अंदर आइए ना। तुम नंदिनी से आखिरी बार कब और कहाँ मिले थे? सर सर मुझसे एक गलती हुई है। कल नंदिनी यहाँ आई थी। नंदिनी तुम यहाँ? क्यों? मेरा घर है, मेरा पति है, आऊंगी नहीं क्या? अरे आ सकती हूँ, पर मैं क्या कह रहा था कि आओ ना बैठकर बात करते। पहले तुम ये बताओ कि तुम बिना शर्ट के क्यों घूम रहे हो? कितनी ठंड बढ़ गई है तुम्हें पता है? बीमार पड़ना है क्या? अच्छा चलो मैं सामान रख के आती हूँ। अरे तुम थक गए होगे, आओ बैठते। तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो मोहित? और मुझे अपने बेडरूम में जाने से क्यों रोक रहे हो? मैं सामान रख के आ रही हूँ ना। नंदी मेरी बात सुनो। नंदी कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे। सर अगर मैंने वो गलती नहीं की होती तो आज मेरी नंदिनी जिंदा होती। सर ये कल कितने बजे हुआ? कुछ दोपहर के 2:30 बजे होंगे। नंदिनी का मर्डर लगभग 9 बजे के करीब हुआ, राइट? सर तो 2 बजे और 9 बजे के बीच में तुम्हें टाइम नहीं मिला नंदिनी को कॉन्टेक्ट करने का? सर मैंने उसे काफी फोन की पर उसने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। और उसके बाद मुझे तुरंत नंदिनी की मौत की खबर मिली सर। आप ठीक तो है ना? हाँ। सर डॉक्टर सुजीत के घर से कुछ दूरी पे लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखो। से कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तो ऑटो रिक्शा में लोग आते जाते देख रहे हैं बस। इस केस के तमाम पहलू अनक्लियर हैं। एक काम करते केस के एक एक कड़ी को जोड़ते हैं। अब तक हमें क्या पता? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये मर्डर किसी अनप्रोफेशनल यानी एमेचर ने किया है। मर्डर के दिन घर का वॉचमैन घर का दरवाजा खुला हुआ था लेकिन जबरदस्ती घुसने की कोई निशानी नहीं। तिजोरी खुली पड़ी थी, गहने गायब। किसी ने इसे डकैती और मर्डर का रूप देने की कोशिश की लेकिन तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही कहती हैं कि ये गलत है। अच्छा डॉक्टर और उसके फैमिली की किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी थी? नहीं सर। हॉस्पिटल में किसी के साथ कभी कोई लड़ाई हुई हो? सर हमने हॉस्पिटल में जाके पूछताछ की तो डॉक्टर सुजीत सर को लोग भगवान की तरह पूछते थे और सर से कभी कोई गलती नहीं हुई, ना ही डायग्नोसिस में और ना ही ऑपरेशन में। 100% रिकॉर्ड था उनका। डॉक्टर सुजीत अपने स्टाफ को बहुत मानते थे, इनफैक्ट अपनी फैमिली की तरह मानते थे। सर हॉस्पिटल के सारे स्टाफ तो डॉक्टर सुजीत की बहुत तारीफ कर रहे थे। सर CDR रिपोर्ट आ गई। सर रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मोहित अपने घर पर था और आयुष का मोबाइल स्विच ऑफ था सर और राकेश ठीक उसी वक्त घर पर आया था। टाइम में सर थोड़ा आगे पीछे। आयुष का मोबाइल स्विच ऑफ होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक काम करो राकेश और आयुष पे नजर रखो। बहन रीमा का कुछ पता चला? सर अभी तक तो नहीं। आप ये कहाँ ले जा रहे हैं? उस रास्ते पे गड्ढे और ट्रैफिक बहुत है, यहाँ से शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचेंगे आप। जल्दी थोड़ा आराम करते हैं। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं पांडे पलासिया पुलिस स्टेशन। जी डॉक्टर सुजीत मर्डर केस के बारे में हमारे पास जानकारी थी। अच्छा व्हाट? आयुष ने अपनी मर्डर की एनसी लिखवाई है? कंप्लेंट रजिस्टर करनी। कैसा कंप्लेंट? मर्डर। पर किसका मर्डर होने वाला है? मेरा।
आयुष जी सर, तुमने पलासिया थाने में एनसी करवाई थी तो तुम्हारी जान को खतरा है? किससे खतरा है तुम्हें? मतलब तुम्हें डॉक्टर सुजीत से खतरा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर सुजीत तुम्हें मार डाले इस डर से तुमने उन्हें पहले मार दिया? नहीं सर, उनकी नियति उन्हें ले डूबी सर। लेकिन क्यों? डॉक्टर सुजीत तो तुम्हारे पापा थे, वो भला तुम्हें क्यों मारेंगे? ये मैं आपको नहीं बता सकता सर। कोई बात नहीं, हमें तो पता चल ही जाएगा, सारे राज खुल जाएंगे। मौत का राज, कहने की चोरी, सारे मुखौटे खुल जाएंगे, सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन जब सच्चाई हमारे हाथों लगेगी तब तुम्हारा क्या होगा? पछताओगे ना? पछताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है सर, आप लोगों को बताने से कोई फायदा नहीं। आयुष कुछ छुपा रहा है, कुछ तो है इनकी फैमिली में जिसके कारण आयुष ने अपने मर्डर की एनसी लिखवाई है। सारी बातें बता नहीं रहा है, बट आई नीड ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑलराइट? एज सून एज पॉसिबल पता करो। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी वजह से घर में सब लोग कितना टेंशन में थे। सब ठीक तो है ना? आयुष ये देखो। इमा, बेटे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बिना बताए इस तरह से हॉस्टल से तुमको नहीं भागना चाहिए था। टीवी पर खबर देखी तो पता चला कि अपने घर में तीन तीन मर्डर हुए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, बहुत घबरा गई थी। हॉस्टल वालों को पूछती तो जब तक राकेश भैया लेने नहीं आते तब तक वो मुझे नहीं निकलने देते, इसलिए मैं किसी को बिना बताए जा रहा हूं। बेटे तो सब ठीक हो जाएगा, हम लोग हैं, विल टेक केयर ऑफ यू, ठीक है? डरो मत। बेटे तुम्हारे भैया कहाँ पे? नशा उतरा? चला बता, बार में बैठ के डॉक्टर सुजीत को गालियां क्यों दे रहा था? और तेरे पास 2-2 हजार के नोट कहां से आए रे? सर सुजीत बहुत खराब आदमी था, गंदा था वो। मेरी बहन रीमा को दवा के नाम पे नींद की गोलियां देता था। चल दवाई देता हूँ, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। हाँ चल 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 चल। और देर रात उसके कमरे में जाकर उसको इधर उधर हाथ लगाता था। सुजीत तुम अपने बहन को कहीं और रखो, किसी गर्ल्स हॉस्टल में। और हाँ, सुजीत की हरकतों के बारे में उसे मत बताना, वरना उसका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। सर सुजीत की हरकत देखकर किसी भी भाई को गाली देने का मन करता, मेरा भी किया। और पैसे? रीमा की हॉस्टल फीस के लिए मालिनी आंटी ने पैसे दिए थे, और अब रीमा ही हॉस्टल से वापस आ गई थी तो मैंने वो पैसे दारू में खर्च कर दिए। चरित्र किसी भी गुनाह के पीछे सबसे ज्यादा अहम होता है, उसमें शामिल लोगों का चरित्र। और डॉक्टर सुजीत के चरित्र पर हुए पर्दाफाश ने तो जैसे पुलिस को भी सख्ते में ला दिया था। एक एक करके इस केस में शामिल सभी लोगों के असली रंग पुलिस के सामने आ रहे थे। सबने अपने चेहरे पर कोई ना कोई मुखौटा लगाया हुआ था। कौन सा चेहरा असली था और कौन सा नकली, ये पता लगाना पुलिस के लिए वाकई चुनौतीपूर्ण था। हर किसी के अपने अपने मकसद थे, कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, इसका पता लगाकर असली मुजरिमों तक पहुंचने का पुलिस का प्रयास जारी था। सर लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं। सर डॉक्टर सुजीत के हॉस्पिटल से उनके अकाउंटेंट का फोन आया था, वो आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं सर। शो? शो? सर उस दिन मैंने डॉक्टर सुजीत सर को 15.5 लाख कैश बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिए थे। क्या हुआ प्रदीप? हाँ अरे तुम्हें तो पसीना आ रहा है, 1 महीने पहले तुम्हारी एंजियोप्लास्टी हुई है, तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? जरूर तुम्हारा बीपी बढ़ गया होगा। सिस्टर मैं एडमिशन करने की तैयारी करूँ,
और जो दवाई लिख के दूंगा उन्हें देना है। 3 दिन तक कोई काम नहीं करनी है। सर पहले मैं बैंक में कैश डिपॉजिट करके आऊँ, बहुत बड़ी अमाउंट है सर, 15.5 लाख, फिर आके मैं एडमिट हो जाऊंगा। बैंक में कैश ही डिपॉजिट करनी है ना, तो मैं कर दूंगा घर जाते वक्त। चलो तुम चलो मेरे साथ। मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, इसलिए किसी ने मुझे बताया नहीं कि सुजीत सर और उनकी फैमिली का मर्डर हो गया है। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले बैंक अकाउंट चेक करवाया, लेकिन बैंक के स्टेटमेंट के मुताबिक उसमें वो 15.5 लाख नहीं है। हाँ सर, डॉक्टर सुजीत आए थे कैश डिपॉजिट कराने के लिए, पर सर ट्रांजैक्शन का वक्त ख़त्म हो गया था तो हम उनका कैश डिपॉजिट नहीं कर पाए। कितना कैश डिपॉजिट करने आए थे वो? सर उन्होंने कुछ बताया नहीं कितना कैश था। कोई था उनके साथ या अकेले आए? सर वो अकेले ही आए थे, कोई भी साथ में नहीं था। जिस दिन डॉक्टर सुजीत की हत्या हुई थी उस दिन वो 15.5 लाख रुपये लेकर घर आए थे, कहाँ है वो पैसे? 15.5 लाख? सर पापा इतने पैसे घर में कभी रखते ही नहीं थे। मैंने पूछा कहाँ है वो 15.5 लाख रुपए? सर मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुमसे कोई गलती हुई हो तो हमें बता दो, डरने की बात नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बताओ। लेकिन सर आप कौन से 15.5 लाख की बात कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं उस। मैं वही 15.5 लाख की बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर सुजीत अस्पताल से निकाल कर बैंक में डिपॉजिट करने गए थे और उसके बाद उसे घर लेके आए थे। सर एक ज्वेलर आया, चोरी हुई गहने की जो फोटोज हमने भेजी थी उसके बारे में कुछ कहना चाहता है। बुलाओ उसे। सर अभी एक आदमी दुकान पर आया था, आपने जैसी पिक्चर भेजी थी वैसे ही पुराने गहने बेचने आया था जी। मैंने कहा कि पैसों की व्यवस्था करने के लिए थोड़ा समय दे दो। वेरी गुड, अब एक काम कीजिए, उसे कहिए कि आपको वो दुकान के पीछे मिले। जी सर। उसे कहना कि दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरा है। हाँ। और बिना कागजात के खरीदारी करेगा तो फंस जाएगा। जिस ज्वेलरी शॉप की तलाश में पुलिस लगी हुई थी आखिरकार पुलिस को वो लीड मिल ही गई, जिससे वो ज्वेलरी भी मिली और वो चोर भी। सिर्फ चुराया नहीं, तूने इस घर के 3 मेंबर को मार डाला जिन्होंने तुझे और तेरी बहन को आसरा दिया था। सर मैंने सिर्फ गहने चुराए, ना मैंने मर्डर किया है और ना ही मैंने पैसे चुराए। सर वहाँ पे पैसे थे ही नहीं। सर मैं रीमा को भोपाल गर्ल हॉस्टल जब छोड़कर वापस आया, फिर मैं सुजीत अंकल के कमरे में गया। साहब मैंने मर्डर नहीं किया, साहब मैंने मर्डर नहीं किया। इसकी पूछताछ जारी रखो अलग तरीके से। राकेश के सामान की छानबीन करो, उसकी बहन रीमा का भी। राकेश का कहां आना जाना है, किसके साथ उठना बैठना है, कहां मिलना जुलना है, हर चीज पता करो, कहीं ना कहीं कैश छिपाया होगा उसने। मोहित के घर भी छान मारो, संचिता के घर भी सर्च करो। ये 15.5 लाख कैश हमें मिलनी चाहिए। इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो 15.5 लाख रुपए। सीडीए रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर के दिन डॉक्टर सुजीत की मूवमेंट क्या थी? सर डॉक्टर सुजीत पहले अपने हॉस्पिटल से निकल के बैंक गए और फिर बैंक से अपने घर पर पहुंचे और घर पे गहने रखे थे। इसकी खबर राकेश को थी, आयुष को थी, राकेश ने गहने चुराए। लेकिन ये कैश, ये 15.5 लाख कैश ना हमें राकेश के पास मिले, ना आयुष के पास, और ना ही मौका वारदात पे आए मोहित के पास। एक काम कर महेंद्र, अस्पताल और बैंक के सीसीटीवी फुटेज निकालो, मुझे चेक करना है। सर सर आपका शक सही निकला, डॉक्टर सुजीत की फैमिली में वाकई बहुत राज छुपे हैं। एक्चुअली इनकी फैमिली का एक राज है सर। कैसा राज? आयुष सुजीत का अपना बेटा नहीं, वो मालिनी की नाजायज औलाद है। उस
सुजीत मालिनी के पिता के हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर था। मालिनी अपने प्रेमी से प्रेग्नेंट हो गई, प्रेमी भाग गया। इज्जत बचाने के लिए मालिनी के पिता ने मालिनी की शादी सुजीत से कर दी। सुजीत ने भी प्रॉपर्टी के लालच में मालिनी से शादी कर ली। सुजीत मालिनी को खुश रखने की कोशिश करता था, पर वो सब दिखावा था। वो तो मालिनी के पैसे लेकर अय्याशी में उड़ा दिया करता था, इसलिए उन्होंने विल बनाने की बात की। मैंने ही विल बनाई थी। विल के अनुसार 25 साल पूरा होते ही आयुष पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। कुछ समय के बाद मेरे पिता के दोस्त इस दुनिया को छोड़ गए। सुजीत को विल का पता चला और तब से उसकी आंखों में आयुष और मालिनी खटकने लग गए। मुझे पता था सर कि आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि मेरे बाप ने मेरी मां को इतना टॉर्चर किया था कि मेरी मां एक अलग ही जोन में चली गई। पूरी दौलत हथियाने में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। कहानी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे तुम बेगुनाह साबित नहीं हो जाते, बल्कि और बड़े सस्पेक्ट बन जाते हो। तुमने डॉक्टर सुजीत को मार डाला, मालिनी और नंदिनी ने वो देख लिया, यानी कि वे विटनेस बन गए। मजबूरन तुमने उन विटनेसेस को खत्म कर डाला, है ना? एक भरे पूरे परिवार की हत्या, 15 लाख रुपए की चोरी, रीमा की इज्जत पर की गई घिनौनी कोशिश, ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस एक साथ कई केसेस सॉल्व कर रही थी। इन सब की कड़ी एक दूसरे से बड़े ही पेचीदा तरीके से जुड़ी हुई थी। पर अब सवाल यह था कि क्या पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? जय हिंद बेटा, जय हिंद। पढ़ाओगे क्या बनेगा? आपकी तरह पुलिस वाला। मेरी तरह पुलिस वाला बनेगा? सारे बटन तो तूने उल्टे सीधे लगा रखे हैं, कपड़े सलीके से पहनना पड़ता है पुलिस वाला बनने के लिए। मम्मी काम पे गई थी इसलिए मैंने खुद ही पहन लिया। ये तेरा बटन बाकी बटन से मैच नहीं कर रहा है। वो मम्मी ने लगाया। तुम्हारा शर्ट रह गया साहब। यही बंगले के कंपाउंड वॉल में ये कपड़े का टुकड़ा फंसा था, तो ये बटन मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं ले आई। वो कपड़े का टुकड़ा कहाँ है? मैंने तो बटन निकाल कर यहीं फेंक दिया था। ये ढूंढ के लाइए। ये रहा साहब, अब जा सकते। सर ये शर्ट का टुकड़ा मेरा नहीं। फोरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो जाएगा ये टुकड़ा तेरे शर्ट का ही है। बोल डाल, सच बोल। सर मैंने सोचा कि मायके जाकर उसके साथ एक बार बात करता हूँ, उसे फिर से घर लाता हूँ। बस उस रात को मैं उसके घर गया था। सर बैंक और हॉस्पिटल दोनों जगह की सीसीटीवी फुटेज आ गए। सर ये बैंक का फुटेज है। क्या कर रहा है? इसे उठा के लाओ और इसका सीडीआर रिपोर्ट निकालो, बोलो अर्जेंट है। सर मुझे यहाँ क्यों लाया? मैंने क्या किया? तूने क्या किया? तूने पैसे चुराए। कौन से पैसे? 15.5 लाख रुपए जो तूने डॉक्टर सुजीत से चुराए। कहाँ पे है वो पैसे? नहीं सर। महिंदर इसे क्लिप दिखाओ सर। क्या कर रहा था तू उस दिन डॉक्टर सुजीत के घर पे? सर मैं वहां गया ही नहीं। हमारे पास सारे एविडेंसेस है, समझा? टाइम, लोकेशन, सब कुछ। तेरा मोबाइल खुद चल के तो नहीं गया था उसके घर? बता दे, देख बता दे। प्लीज सर मत मारिए सर, सब बताता हूँ सर, सब बताता हूँ सर। मुझे दारू, ड्रग्स और लड़कियों पे पैसे उड़ाने की लत लग गई थी सर। मुझ पर बहुत सारा लोन चढ़ गया था और जिन लोगों से लोन लिया था वो जान के दुश्मन बन गए थे। आए दिन जान से मारने की धमकी देते थे सर। मैं बहुत परेशान हो गया था, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक सुजीत अंकल के पास इतना सारा कैश देख के लगा कि अगर ये पैसे मुझे मिल जाए तो अपनी जान बच सकती। मैंने आयुष को कई बार देखा था, वो अपने घर की चाबी अपनी कार की चाबी के साथ एक ही की चेन में रखता है सर। सर मैंने प्लान बनाया, मैं किसी तरह आयुष की कार ले गया, सुनसान जगह सर कार पार्क की और मैंने एक चाकू खरीदा। मंकी कैप पहन के मैं सुजीत अंकल के घर में घुसा सर।
चाबी से दरवाजा खोला और धीमे पांव रूम में रखे। सर जैसे ही मैं लॉकर के पास पहुंचा, इत्तेफाक से सुजीत अंकल भी वहीं थे। तू ये काम कब से करने लगा? उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया सर। अब अगर उन्हें नहीं मारता मैं तो वो सबको मेरा नाम बता देते। बचाओ! बचाओ! मालिनी! उन्हें मारना जरूरी हो गया था सर। मैं फटाफट पैसे लेके भागने की कोशिश कर ही रहा था कि नंदिनी और मालिनी आंटी ने मुझे देख लिया। दोनों को मारने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। जीवन के बुनियादी रिश्तों को दांव पर लगाने वाले इस उलझे हुए केस को पुलिस ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से सुलझा दिया। असली अपराधी को सबूतों के साथ अदालत में पेश किया और उन्हें कानून से सख्त सजा दिलवाई। इन सब का नतीजा देखकर तो एक ही बात मन में आती है कि काश इन लोगों ने थोड़ी सतर्कता दिखाई होती। काश डॉक्टर सुजीत और आयुष ने अभिषेक के पैसों के लालच को समझा होता। काश नंदिनी लव मैरिज को सुलझे हुए ढंग से हैंडल करती। काश रीमा सुजीत के मन में छिपे हुए पाप को जान पाती। काश आयुष अपनी माँ को अत्याचारी बाप से अलग करता और काश अभिषेक अपने लालच पर कंट्रोल रखता तो आज डॉक्टर सुजीत, मालिनी, नंदिनी जिंदा होते। ये लोग तो सतर्क नहीं रहे, लेकिन आप और हम सतर्क रहकर आने वाले खतरे से अवश्य बच सकते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।